बाबा साहब ने क्या कहा था ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये आरोप उनके ऊपर भी लगता था कि सारा महार खा गए, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चला हुआ है कि यादव जाकर खा गए सब, और ये बात सही है कि आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा महारों ने लड़ी और डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, लेकिन वो क्या महारों के लिए लड़े? मेरे पास पेपर रखे हुए, कई कागज लेके चलता हूं मैं। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई ये महारों की नहीं है, ये महारों के लिए नहीं लड़ी गई है, भारत के तमाम स्पृश्य समुदाय के लिए ये लड़ाई लड़ी गई। दो कमेटी जो है वो आमने सामने खड़ी और इस तरह से जैसे लग रहा है कि शायद कभी वो सब हो जाना है वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 1 अगस्त का, उसको जो हमने पढ़ा है जवाब, उसके हिसाब से बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले आप आंकड़े लाओ, जाति जनगणना कराओ, किस जाति की संख्या कितनी है, किसका प्रपोर्शन कितना है। अगर एक जाति की संख्या 100 है और उसमें से 10 लोग नौकरी में है और एक जाति की जनसंख्या 500 है और 15 लोग उसके नौकरी में है, तो कितना परसेंट किसका हुआ, इसका आंकलन आप आराम से कर सकते बगैर किसी आंकड़ा डेटा के। इस पर बात करना फिजूल खर्ची है और इसका कोई फायदा नहीं है और अल्टीमेटली इसके ऊपर राजनीति हो। इस विषय पर जो वर्गीकरण और तमाम बात हो रही है, बाबा साहब ने क्या कहा था ये बात मैं आपको बताऊंगा कि यह आरोप उनके ऊपर भी लगता था कि सारा महार खा गए, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चला हुआ है कि यादव जाकर खा गए सब, कि जैसे कहीं बर्गर रखा हुआ है और गए और यादव बेटा इधर आ जाओ, जाकर बेटा इधर आ जाओ, ले खा लो, ऐसा कुछ सिस्टम है। लोगों को भी पता नहीं है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, वो कितना प्रताड़ित होते हैं। बाबा साहब के जमाने में भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जो लोग लड़ते नहीं है वो संघर्ष की परिभाषा क्या जाने। तो ऐसे काम ऑनेस्ट लोग ही चलाते हैं। हम लोगों ने एक रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी, गौतम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सूरज जी बैठे हुए हैं, अनिल जैन साहब भी शायद होंगे, आने वाले होंगे। मैं तो ऑलरेडी नौकरी में था, सूरज जी नौकरी में थे और राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे, तो उस हिसाब से तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो रोस्टर जिससे लाखों लोगों का भला होगा या हो रहा हजारों लोगों का, जो SC ST OBC के लोग नौकरी कर रहे हैं या पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कुर्बानियां हम लोगों ने दी है। हम लोग लड़े हैं नौकरी में रह के लड़े हैं, तो किसी एक जात के लिए लड़ा गया? मुझे तो ये पता भी नहीं है कितने लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में उससे नौकरी मिली होगी, किसी ने चाय भी नहीं पिलाया। ये समाज इतना एहसान परामोश समाज भी है, मैं खुल के कहता हूँ, नाराज हो जाएगा तो मर्सिडीज थोड़ी मुझे दिए थे वापस ले लीजिएगा, इतना एहसान परामोश है। यही अपर कास्ट के लोग करते हैं तो उसको तो क्या क्या कह के लोग सर पे उठा लेते हैं, यहाँ अपने जेब से नोट खर्चा करके अपने ऊपर मुकदमा लड़ के आपकी लड़ाई लड़ी जाए और उसका आपको महत्व पता नहीं और बाद में आपस में कोई लड़ाएगा लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये साथियों हमारे लोगों के बीच आजकल राजनीतिक चेतना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसको देखो सबको राजनीति करना है, सबको MLA बनना है, सबको नेता बनना है, MP बनना है, ये सब करना है, बाकी काम नहीं करना। दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है हमारा, एक अकेलियर के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से दोनों ज्वाइंट बना रहा है। देखिएगा देखिएगा बाघ का शेर का चीता का फोटो लगा लगा के ऐसे पोस्टर छपवाता है कि जैसे सीधे अब दिल्ली के सिंहासन पर जाके काबिज होने वाला है। कुछ लोग सिंहासन पर इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं कि लगता है कि घर में बैठे हुए लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए। भाई साहब आरक्षण पहले कटहल था, उसमें जगजीवन राम जब मंत्री थे और रेलवे में और जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एक जाति को नौकरी नहीं मिली थी, जो जो काबिल होता था उठाओ भाई, कहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ, यहाँ पुराने लोग बैठे हुए बताएंगे एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिलती थी, 3-3 नौकरियां मिलती थी। अब आरक्षण जो है ना बीजू आम हो गया, बीजू आम समझते इतना छोटा छोटा होता है, उसमें आम का रस कम होता है, गुठली ज्यादा,
और कुछ दिन बाद जो है ना वो रस्म खत्म हो जाएगा, काली गुठली का गुठली बचा जाएगा। ये हालत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने आरक्षण की कोई लड़ाई ही नहीं ली, आपको फ्री में मिला। और ये बात सही है कि आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा महानों ने लड़ी और डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, लेकिन वो क्या महारों के लिए लड़े? मेरे पास पेपर रखे हुए, कई कागज लेके चलता हूं। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई ये महारों की नहीं है, ये महारों के लिए नहीं लड़ी गई है, भारत के तमाम स्पृश्य समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी गई। हम लोग को फ्री में मिला, होगी खत्म होते जा। कहीं आपने इतना बचा हुआ, फिर इतना बचेगा, फिर इसी में हम लोग बांटे। कोई भारत बंद रोजगार के सवाल हो, कोई भारत बंद शिक्षा के सवाल हो, कोई भारत बंद स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर कभी चर्चा में है इस सवाल? आपके बच्चों को फेलोशिप नहीं मिला है, जाकर देखिए आउटसोर्सिंग हो गया है, जाकर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मिनिस्ट्री में जाकर देखिए एनजीओ काम कर रहे हैं और वहां पे आपको 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है समाज में। तो आगे 10 साल इंतजार कीजिए, सब एक कागज में फ्रेम बनवा के फ्रेम और सर्टिफिकेट दीवार पर टांगना पड़ेगा कि एक जमाना था जब हमें आरक्षण मिला था। कोई टेंशन नहीं है, कोई उबाल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे वही बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए हमें तो चौतरफा लड़ना पड़ता है। जो धर्म जो संप्रदाय हमें हीन देखेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। लेकिन हम अपने समाज को स्पॉट फ्री नहीं छोड़ सकते, फ्री नहीं छोड़ सकते। आलोचना इनकी भी होगी। 40 साल से आप क्रिश्चियन मूवमेंट चला रहे, कौन सा अचीवमेंट है मुझे बताइए? कौन सा अचीवमेंट है? जो सरकारी बाबूलों का संगठन है, करोड़ों करोड़ चंदा जा रहा है, अपनी नौकरी बचवा पाए अपने डिपार्टमेंट में, रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? तो नहीं। जो प्राइमरी काम है उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कुंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट, अपनी नौकरी बचा लो, रिटायर हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। ये कभी ध्यान में आया? इस पर चर्चा हुई, बहस हुई? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपसे वोट लेता हूं, मैं चंदा लेता हूं, एक इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। ब्राह्मणवाद मनुवाद से भी लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी लड़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को भी मांगो महारो मांगो घोर चमार समुदाय तमाम तरह से उनको चैलेंज मिलते थे, उनको लड़ना पड़ता। तो हमारे समाज का अगर नेतृत्व इंटेलेक्चुअल नेतृत्व नहीं, हमारे समाज का नेतृत्व किसे पिटे लोगों के पास है? सिर्फ मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर उनके पास है, इस समाज का जो हाल हुआ है, 15 साल 10 साल और ठहर जाइए, 10 साल ठहरिए, मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं, सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है वो भी हम जानते हैं, क्लास 3 क्लास 4 आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, कोई आंदोलन नहीं है, मिशन मूवमेंट चल रहा है, चला लो भैया। हमारे नेता और हमारे समाज के लोग, आप सब देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली मैं पुणे में भी परसों बोला हूं, शनिवार को आज भी कह रहा कि आप लोग नींद में सपने मत देखिए, आंख खोल के सपने देखिए, रियलिस्टिक ड्रीम्स में आइए, जो रियल हम अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? कभी कहा? पढ़ा गया आपने? कब कहा था कि आरक्षण हम लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? हमारे इधर कहावत है, बाप मर गया अंधेरा में और बेटा के नाम बाबर। डॉक्टर अम्बेडकर को आरक्षण लेने वाला बन, उससे ज्यादा विद्वान, उससे ज्यादा बड़े नेता। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम आरक्षण देने वाला बन गए, एकदम गलत बात है। जो मिला था वो भी खत्म हो रहा, सब खत्म हो गया। IIT में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई सुकूगा नहीं। कह रहे हैं राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे। ना राजा के नौबत तेल हो
ना डालना चाहिए। किसी नेता को, बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? सुना है आप लोगों में गुदगुदी लगता है, रिटायर होने के बाद तुरंत एमएलए का टिकट चाहिए हो। कभी जाके पावर स्ट्रक्चर के साथ जो लुटियन जोन में लीड बैठा है ना, जो जिमखाना क्लब में मैं कभी कभार जाता हूं, वो आप लोग को देख के हंसता है कि देखो फिर एक नया पार्टी आ गया, ये भी राजा बनेगा, ये भी हुक्मरान बनेगा। बोला एक काम करो, बजट में थोड़ा और काटो इसका पैसा, तुम जब राजा बन लेना तो अपने कर लेना। तो हर साल बजट कटौती हो जाती है। पहले अखबारों में छपता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल कंपोनेंट प्लान में इतने पैसे मिले। आजकल बजट जब आता है कहीं आपको एक लाइन में नजर आता है? एक लाइन कह रहा हूं मैं, एक लाइन। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भयंकर नशे में कि राजा बन लेंगे तब कर लेंगे, तो ठीक हो रहा है, खत्म हो रहा है, बन लेना राजा तब कर लेना। तो राजा बनोगे तो राज सिस्टम चलाने के लिए, पीएम बनोगे तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट चाहिए हो। बनाए एक्सपर्ट, अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा बताओ, पांच नाम बताओ हमें। तो बेसिक फंडामेंटल काम तो जीरो से शुरू होता है, घर से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। उस काम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात रूलिंग एलिट जानता है, और जानता है इसलिए आपको आपस में भिड़ा रहा है। ये कसाई बड़ा हो, नौकरियां ज्यादा हो, इसके लिए कोई आना हलचल है? कोई हलचल नहीं। वो यूनिवर्सिटी से दो चार दस लोग दिल्ली में बैठे, दस लोग हल्ला करते हैं तो उससे कभी माहौल बन जाए तो बन जाए, कोई हलचल नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आप कम से कम डॉक्टर अंबेडकर, कभी उन्होंने कहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब मैं अपने अछूतों के उद्धार के लिए काम करूंगा? कहां कहा, कहां कहा? नहीं कहा। उन्होंने वो वायसराय से मिलते थे, डेलीगेशन, साइमन कमीशन, बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साउथ बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते थे, मेमोरेंडम लेते थे कि हमारे अछूतों का, हमारा ये डिमांड है, हमारे पिछड़े वर्गों का ये डिमांड। वो पूरा डेलीगेशन समझिए, मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखता, मैं आंख खोल के सपने देखता हूं कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, मैं तीन साल में एक किताब लिख सकता हूं। ये नहीं दावा कर सकता कि मैं कार्ल मार्क्स बनना हुआ अमर्त्य सेन बनूंगा। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स है वो। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग है ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या दरिजन, ये सब आरएसएस संघ के स्कूल में बनता है। ये सांप नाथ है, एक नागनाथ है, तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो तो अंतर नहीं मिल जाएगा। तो सांप नाथ के जमाने में जिसको सांप नाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान हुआ जरा बताना, हाथ था कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, तो कितने रोजगार आपके थे जिनका राजपाट खत्म हो गया, उससे आपको फायदा नहीं मिला, जीरो बैलेंस पे। संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े कि नहीं पढ़े? तीन सौ रुपए में पढ़ते, हम लोग 1000 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, 1000 महीना में हॉस्टल में रहना भी और पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसान खरामोश हो सकता है जो आंख बंद कर ले सीधा, और एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग रहे हैं, पढ़ाएंगे आप? मेरे पास रोज पांच फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। एक आदमी क्राउड फंडिंग जिसको करोड़ों अरबों चंदा दी, उसे जाकर बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज। तो ये मैं आक्रोश में कह रहा हूं, ये आक्रोश में कह रहा हूं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो सांप नाथ के जमाने में आपकी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगे, कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया, उसका बेटा आईएएस बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। और नागनाथ अभी जो बैठा ना, जिसको नागनाथ कर रहे हैं, पूरा निकल रहा है, निकल रहा है। वैसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको खत्म कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभा करेगा।
इसमें पहले तो विमल तो सनातनाथ नागनाथ एक और होगा अजगरनाथ। अजगरनाथ तो निकल ही गया, दलित के नाम पे वोट ले लिया, जाके आरएसएस बीजेपी में उससे जाके सवाल पूछो कि जब आरक्षण खत्म हो रही थी, जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे यूपीए 1 और 2 में, क्या अपने एक भी नेशनल पॉलिसी बनवाई शेड्यूल कास्ट ट्राइब की भलाई के लिए? बताइए, जो लोग उस समय सरकार में थे वो बताए कि पिछले बार को लिए फेलोशिप लिया गया फॉरेन स्कॉलरशिप? सवाल नहीं पूछेंगे अपने लोगों से, सवाल नहीं पूछेंगे आपको, जो मर्जी आप करने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने, हमें बुद्धि वाला भाषण नहीं करना है। मुझे पता है बच्चे हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर के 35-40 हजार रुपया, किसी में 80 हजार रुपया लग रहे हैं। एक बच्चा को पढ़ने में दिल्ली का खर्च 15-20 हजार रुपए मिनिमम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़े थे यूनिवर्सिटी में, मेरे पिताजी क्लर्क थे, 1-1 हजार रुपए करके 4 भाई 3 हजार 4 हजार में चारों पढ़ लिया। आज एक बच्चा भी मेरे पिताजी आज होते तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते दिल्ली। ये कोई बहस का विषय नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा एक जनरेशन स्वार्थी खाली अपने लिए सोचता। आपकी आने वाली पीढ़ियां जब एक्सपर्ट नहीं बनेगी, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आप राजा बनो कैसे? राजा के पीछे पूरा विशाल थिंक टैंक होता है। वो थिंक टैंक है, कोई थिंक टैंक नहीं। बाबा साहब ने, मैं अब समय कम है नहीं तो मैं कुछ कोर्स करता, मैं ढूंढ के लेके आया कि वो वही पूरा पूरी बात थी कि कहते थे महाकाय, उन्होंने लिखा है कि महाजाति के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप निराधार है कि हमने जो भी लड़ा है, हमने हॉस्टल खोला है नासिक में, हमने बहिष्कृत हितग्राही सभा खोली है, हॉस्टल खोला है कोल्हापुर में, उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक मान बच्चा को हमने गोद लिया है और बच्चा मिलेगा तो मैं गोद लूंगा। आजकल बहुत हंगामा चल रहा है ना, जमात वर्सेस वाल्मीकि चल रहा है। मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समुदाय का कोई बच्चा जो काबिल है और विदेश पढ़ने में, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसके लाइए, उसके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। आप लोग लड़ते रहो, लड़ते रहो, ये फंडामेंटल काम नहीं हो तो 10-20-50 इतना ही भाई लोग संगठन चलाता है, रिटायर्ड लोग है आप लोग। अरे बाबा साहब ने तो 16-19 को भेजा था इंग्लैंड में, वो सब जो है कहां गायब हो गए, धोखा दे दिया। तुमको पता है धोखा दिया क्या किया? सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता। उन्होंने क्या कहा, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजा और उसमें बाबा साहब ने कहा है कि उसमें से ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ अधमके रह जाते हैं, उसी तरह से अधमके रह गए। उसमें से एक परिवार का मुझे पता लगा अमेरिका में और वहां जो भी जाता है अम्बेडकराइट उसका खर्चा पानी सब खाता है और बिना कुछ जाने हुए हवा में धोखा दे गए अपना घर तो बना लिया। आप हर साल देखिएगा दिसंबर में कोई मेला लगता है, पिकनिक मेला लगता है कहीं ना, पिकनिक मेला लगता है। आप लोग इतना पैसा लिए 10-10 बच्चा को पढ़ाते, सरकार का भी काम लेकिन हमारा भी काम। सरकार कुछ एक नेता को मैंने सुना बोलते, अरे शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी, ये तो सरकार का काम। तो अच्छा तो है सरकार विद्रोह कर ली, अब तुमको चंदा देने वाला क्लास भी नहीं है। बाबा साहब सरकार को पढ़ा नहीं थी, बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला कि नहीं खोला, मिल कॉलेज से डाक कॉलेज खोला कि नहीं खोला ना? ऐसे लोगों के हाथ में आपका नेतृत्व है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा, सब मिट्टी मिल में मिल गया। 40 साल एक स्कूल नहीं खोल पाया। नेता इलेक्शन में नहीं बनता, बीजेपी का नेता जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में बनता है। ये बात समझ में की? बाबा साहब ने कहा ना कि ये गैर महारोह का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा आदमी उनके समाज में पैदा नहीं हुआ। उन्हीं का स्टेटमेंट। तो हमें वो भी एक और बात कर रहे हैं, उसके साथ मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, अंतिम लाइन में आपको कह रहा हूं, इसमें पूरा उन्होंने क्रिमिलियर पर भी बोल दिया। ये लोग कहते हैं क्रिमिलियर, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, एक एग्जाम्पल अपना दे रहे कि मेरे चैम्बर के बगल में एक ब्राह्मण चाय पकौड़ी वाला था, जब तक उसको पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूं तब तक अपने प्लेट में चाय पकौड़ी खिलाता था और जब अखबार में फोटो छपी और पता लग गया कि मैं अस्पृश्य हूं
तो मुझे कांच के गिलास में चाय देने लगे। तो अंबेडकर के साथ हो सकता है अभी भी अस्पृश्यता जारी है, वो दिमाग में है, कह के नहीं होता है, कह के नहीं होता। ऑफिस में आपका चेयर कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा रूम आपको मिलेगा, कैडर में कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सब यहाँ लीला चलता रहता है, ये लीला चलता रहता है। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम लाइन क्या गया, मैं इस बार अपनी बात खत्म कह रहा, कह रहे हैं वही गुस्सा जो मैं कह रहा हूँ, मैं अंबेडकर पढ़ता हूँ इसलिए अंबेडकर बहुत गुस्सा है आदमी, उन पर आक्रोश था कि कैसा समाज है जो विद्रोह नहीं कर रहा, अमानवीय स्थिति में रह रहा था लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा, आंदोलन नहीं कर रहा। कहते हैं कि अगर हमने आक्रामक रूप नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है। आंदोलन कोई है, कोई वोट क्लब अब जाम हो रहा है, देश में कोई रैली निकल रही, नौकरी में हिस्सेदारी की बात हो रही है, कोई आक्रमण है, क्योंकि हमारे नेता आजकल बहुत सारे नेता बिकाऊ नहीं टिकाऊ नहीं बिकाऊ तरह तरह के शिकंजे में फंसे हुए। आप एक बात याद रखिएगा, आदमी में एक स्वार्थ होता है बहुत तरह का, आप सब लोग भी उसी के पीछे भागेंगे। अभी एक एसएसओ साहब आ जाएंगे ना तो सलाम करने चले जाएंगे, एक मास्टर आएगा तो उसको नहीं पूछेगा, आपकी सत्ता है और पावर के पीछे भागते हैं। और इस बात को रूलिंग एलीट जानता है कि कितने में मेरे को बोल एमपी का टिकट चाहिए, लो मिनिस्टर बनना है, लो कितने पैसे चाहिए, लो। ऐसे लोग कभी आपका नेतृत्व नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं आपको अजगरनाथ में अजगरनाथ पेट में निकल लेगा। अब पता लगा कि आप खाली ढोलक बजाते रहो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में पत्थर की खेती खाली करो। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध कबीर फूले के अनुयायी उनको अपना गुरु मानते, कितने मूर्तियां उन्होंने लगवाई जरा बताइए मुझे कोई नहीं। मैं अम्बेडकर वादी हो, काहे का अम्बेडकर वादी हो, जो पढ़े अम्बेडकर को उल्टा काम कर रहे हो, कह रहे हो कि व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए अम्बेडकर कह रहे थे, और आप वही पूजा कर रहे हो। अम्बेडकर विचारों की खेती कर रहे थे, डायलॉग से कम्युनिकेशन से आर्गुमेंट से आपके लिए इतना कुछ देखेंगे, और जो देखेगा उसको भी नहीं बचा पा रहा, पत्थर की खेती कर रहा, इतना बड़ा ऊंचा पीठ उसका ताली बजा रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, पता लगा नीचे से स्कूल कॉलेज का